अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे चैनल में आप सभी का वेलकम है। हम बनाने जा रहे हैं गाजर के हलवा। यहाँ पे हमने कुछ ड्राई फ्रूट ले लिया है, बादाम, किशमिश, मखाने, मगज, काजू। हमने यहाँ पर गाजर और नारियल ले लिया है। अब इनको हम कद्दूकस कर लेंगे। पर गाजर को कद्दूकस कर लिया है। पैन गरम होने पर हम घी ऐड करेंगे। मखाने रोस्ट करेंगे। काजू, बादाम, इन्हें थोड़ा रोस्ट करें और नारियल ऐड करें, किशमिश, मगज। इन सभी को अच्छे से रोस्ट कर ले। फिर हमने पैन में 2 बड़े चम्मच घी ऐड किया है। दो इलायची, अब गाजर ऐड करें। इनको अच्छे से मिक्स करें। अब इनमें मक्खन ऐड करें। मिक्स करें। अब इनमें दूध ऐड करें। मिक्स करें। कवर करके इनको दूध सूखने तक पकाएं। बीच बीच में चेक करते हुए पकाएं। हमारी दूध सूख चुकी है। अब इनको हाई फ्लेम पर भूनें। अब इनमें हम चीनी ऐड करेंगे। अब इन ड्राई फ्रूट्स को टुकड़ों में तोड़ लेंगे।
भूने पानी सूखने तक। अब इनमें ड्राई फ्रूट ऐड करें। अच्छे से मिक्स करते हुए भूने। सारे पानी सूख चुके हैं। हमारी हलवा रेडी है। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।